आप सोचेंगे मैं इतना सारा बर्फ क्यों निकाला। तो आज मैं बहुत ही स्पेशल रेसिपी बनाने वाला हूँ, मलाई ब्रोकली फॉर बैंक्वेट पार्टी। तो मैं 20 किलो ब्रोकली बनाने वाला हूँ। इसके लिए मैं ये बर्फ निकाला हूँ। इसका क्या करूंगा आपको दिखाता हूँ, कब जब इसकी जरूरत होगी तब। अब हम किचन में लेके जा रहे हैं बर्फ, क्योंकि किचन दूर है काफी और ये हमारा लाइव किचन है इसके लिए। तो इसका दरवाजा खुलता है बाहर की तरफ, अब हम चले अंदर। बारात काफी बड़ी है तो थोड़ी टेढ़ी करनी पड़ेगी। और ये आगे हम किचन के अंदर, ये देखिए पानी मैंने चढ़ा रखा है एक बड़े पतीले में। अब ये उबलने वाला भी है। अब इसमें मैं डालने वाला हूँ ब्रोकली। तो ब्रोकली मैंने काट के रखी है, इसके लिए काट ली ताकि वीडियो फटाफट बन जाए, आपको ज्यादा बड़ा वीडियो देखना ना पड़े। देख रहे हैं आप, 20 किलो ब्रोकली काटी है और मैंने एक पीस बचाया है। ये एक पीस क्यों बचाया है आपको दिखाने के लिए कि मैंने कैसे काटी है, आपने भी ऐसे ही काटना है। इस तरीके से देखिए, ऐसे पहले काटने, इसको अलग रख दें साइड में। और 20 किलो इसके साथ है ये आपको बता दूं। फिर आपने ये देखिए पहले मोटे मोटे पीस निकाल लेने इस तरीके से, आपने छोटी छोटी नहीं करनी है। देखिए फिर इसको कर देना है दो, फिर ये देखिए ऐसे मोटी कटिंग करनी है, क्योंकि ब्रोकली ना बहुत ही नरम होती है, नाजुक होती है, तो सीख में लग जाना चाहिए। इसके लिए आपने ऐसे मोटी काटना है। देखिए हमने काट के रखी है, देख रहे हैं ना आप भी ऐसे मोटी मोटी काटें। कोई पीस छोटा होगा तो चलेगा, क्योंकि छोटा भी हो जाता है, लेकिन कोशिश करना है आपने ऐसे मोटा मोटा काटने की। जब तक पानी उबल रहा है तब तक सारी साफ सफाई कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि अभी हमने यहाँ काम भी करना है इसके लिए। ये इतना ढेर मैंने इसलिए लगाया था ताकि आपको पता चले कि सच में मैंने इतनी ब्रोकली काटी है। अब पानी भी उबल चुका है तो मैं चला इसको पानी में डालने। और इसको डालने के साथ साथ आपने क्या डालना है और पानी में, ताकि इसका कलर ऐसा अच्छा रहे, वो भी आपको दिखाने वाला हूँ। जब पानी ऐसे उबलने लगेगा तब आपने सभी ब्रोकली इसके अंदर डाल देना है। उबलते हुए पानी में गैस स्लो नहीं करना है। भले आप वीडियो बना रहे हैं, ये ना सोचें कि मैं वीडियो बना रहा हूँ आवाज होगी, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आपका जो चीज है, आप जो चीज बना रहे हैं, वो खराब नहीं होना चाहिए। इस चीज का रखना है ध्यान। फास्ट गैस में आपने उबालना है। ब्रोकली डालने के बाद आपने इसमें डाल देना है चीनी, कम से कम 100 ग्राम चीनी जरूर डालें। चीनी से क्या होता है, कलर फेड नहीं होता है, खराब नहीं होता है। देखिए, और अब सवाल है कि इसको उबालना कितनी देर है, क्योंकि ये तो बहुत नरम होती है। बस पानी उबलने का इंतजार करें। जैसे ही पानी उबलने लगेगा आपने तुरंत निकाल लेना है। अब पानी उबलने लगा है, इसका मतलब है कि ब्रोकली एकदम बढ़िया से ब्लांच होने वाली है। इसको ब्लांच बोलते हैं, उबालना नहीं बोलते हैं। आपने ऐसे चेक करना है सबसे छोटा पीस। अब ये देखिए ये गल गई है जितनी की हमको चाहिए था। अभी क्या होगा, मैं इसको निकालूंगा। जैसे मान लो अभी मैंने निकालना स्टार्ट किया तो सारी एक साथ निकाल नहीं लूंगा, निकालते निकालते भी उबलेगी। तो आपने अभी से ही ऐसे निकालना स्टार्ट कर देना है और डालना किसमें, बर्फ के अंदर, जो हमने बर्फ ला के रखा था। और बर्फ मैंने पहले क्यों ला के रखा था आपके मन में ये सवाल होगा, ताकि ये थोड़ा मेल्ट भी हो जाए, पानी भी हो जाए। पानी होगा तभी जाके फटाफट ठंडी होगी, नहीं तो ठंडी नहीं हो पाएगी। तो आप भी पहले से ला के रख लें या फिर उसमें थोड़ा पानी डाल लें। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि निकलते निकलते भी उबलेगी, तो आप भी ऐसा करें। देखिए, और गैस अभी आपने बंद कर देना है और सभी छान लेना है। पंखा बंद किया है, आंखों में धुआं लग रहा है, जैसे कि आप देख रहे हैं ना, आंसू भी आ रहे हैं साथ में पसीना भी आ रहा है। ओह गर्मी, मजा आ गया। गर्मी में भी काम करने का अपना ही मजा है। और ऐसे झाड़ के आपने बर्फ के अंदर डालना है। ये देखिए ब्रोकली ऐसे निकालने के बाद आपने क्या करना है, इसके ऊपर भी ऐसे थोड़ा सा बर्फ डाल देना है। ये देखिए, उसके बाद आपने ऐसे इसको प्यार से चलाना है, देखिए, ताकि गोभी नीचे तक बैठ जाए पानी में और फटाफट ठंडी हो जाए। इससे क्या होगा, इसका कलर भी खराब नहीं होगा और बहुत ज्यादा गलेगी भी नहीं। तो ये टेक्निक होती है, हम लोग ऐसे
ब्रोकली या फिर गोभी, गाजर, बीन्स इस तरीके से ब्लांच करते हैं। ये देखिए, अब ये सीधी गई पानी के अंदर, अब क्या होगा फटाफट 10 मिनट में ये ठंडी हो जाएगी। तो आप भी ऐसा ही करें, अगर आप पार्टी के लिए ब्रोकली बनाते हैं या फिर गोभी या गाजर उबालते हैं तो ऐसे ही आपने उबालना है, ताकि फटाफट आपकी गोभी, ब्रोकली, बीन्स ठंडी हो जाए और कलर भी खराब ना हो। जब आपकी ब्रोकली ठंडी हो जाएगी, देखिए बर्फ भी गल चुका है और एकदम ठंडी हो चुकी है, बढ़िया, तब आपने क्या करना है, ऐसे परात के अंदर छन्नी रखना है इस तरीके से, और यहां से ब्रोकली उठाना है। अगर आपको जल्दी है तो आप क्या करें, ऐसे हल्के से दबाएं, फिर छन्नी के अंदर रखें। अगर आपने तुरंत बनाना है और आपके पास टाइम है 1-2 घंटे का, तो इसी तरीके से उठा के ऐसे छन्नी में रख देना है, ताकि इसका सारा पानी नचुड़ जाए। पानी नचुड़ना जरूरी है, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। देखिए ऐसे टाइम है तो ऐसे डाल दें, टाइम नहीं है तो क्या करना है, आपने ऐसे हल्के से दबा के डालना है, ताकि इसका पानी नचुड़ जाए, इस चीज का ध्यान रखना है। ये तरीका है, तो मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए, आपके पास जैसा टाइम है उस हिसाब से आप काम करके खत्म करें। तो मैं क्या करूंगा, इसी तरीके से सारी ब्रोकली छन्नी में डाल दूंगा और पानी नचुड़ने का इंतजार करूंगा। और आपको एक बात बता दूं, मैंने सोचा जाते जाते लास्ट में आपने क्या करना है, ऐसे पीस पीस उठाना है, ऐसे ना उठाएं, उससे क्या होगा ये जो टूटा फूटा है वो नीचे ही रह जाएगा। तो आप ऐसे पीस पीस करके उठाएं इस तरीके से, जैसे कि मैं उठा रहा हूं। ये काम भी आप कर लें अभी तो अच्छा रहेगा आपके लिए। अब ब्रोकली का पानी निकल चुका है, तो मैं क्या करूंगा, इस ब्रोकली को ये दूसरी परात में डालूंगा। परात को आपने पहले अच्छे से सुखा लेना है। और ये देखिए, मैंने कम से कम इसको 3 घंटे रख दिया था, तो कितना पानी निकला, ये देखिए, देख रहे ना आप कितना सारा पानी निकल गया। तो आप भी ऐसे ही रख दें, उसके बाद ऐसे परात में आपने डाल लेना है, सूखी परात में। अब आप सोचेंगे कि इसमें टेस्ट कैसे आता है, तो आपने क्या करना है, इसको टेस्टी बनाने के लिए फर्स्ट मैरिनेट करना है। तो आपने कम से कम 3 टेबल स्पून, ये देखिए ऐसे मुट्ठी भर के इसमें डालना है नमक, इसको फर्स्ट मैरिनेट बोलते हैं। 2 टेबल स्पून काला नमक यानी कि ब्लैक सॉल्ट, 3 टेबल स्पून कसूरी मेथी, ये देखिए 3 टेबल स्पून व्हाइट पेपर, सब में ऐसे फैला के डालना है आपने, और 2 टेबल स्पून ये इलायची पाउडर, ये देखिए ऐसे सभी मसाले डाल देने हैं जैसे कि मैंने डाले। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको हटा देना है, जगह खाली करने, ताकि आपको काम करने में कंफर्टेबल हो। इसको मिक्स करने से पहले मैं क्या करूंगा, ग्लव्स पहन लूंगा। आज मुझे लग रहा है ग्लव्स की जरूरत है, क्यों है ये आपको मैं बाद में बता दूंगा, पहले ग्लव्स पहन लूं, आप भी पहन लें। और आज आपको एक चीज और पता चलने वाली है, वो क्या है, वो है ये है वाइट मसाला, तंदूरी वाइट मसाला, ये देखिए, देख रहे ना आप, ऐसे हम बना के रखते हैं। और इसका वीडियो मैंने आपको बना के दिखाया था कि कैसे बनाएं और इसको यूज कैसे करना है, ये भी अब बताने का टाइम आ गया है। और आपके बहुत सारे कमेंट थे कि शेफ बताइए इसको कैसे यूज करना है, तो ऐसे यूज करना है जैसे कि अभी मैं आपको दिखाने वाला हूं। पहला काम, इसको ऐसे मिक्स कर लें आप, ये देखिए, वाह, जब आप ऐसे इसको मिक्स करेंगे ना तो बढ़िया खुशबू आएगी। ध्यान रखना है, हल्के हाथ से प्यार से मिलाना है, टूटना नहीं चाहिए, ब्रोकली टूट गई तो कोई फायदा नहीं है आपकी मेहनत करने का। देखिए वाह, खुशबू आने लगी, मस्त। अब आपने क्या करना है, ऐसे मिलाने के बाद इस मसाले को इसमें डाल देना है। ग्लव्स मैंने क्यों पहने, क्योंकि इसमें हाथ लगाना पड़ सकता है, और बिना ग्लव्स पहने हाथ लगाऊंगा फिर इसको मैं रखूंगा तो क्या होगा, ये मसाला जल्दी खराब हो जाएगा। इसके लिए या तो आप किसी बर्तन से निकालें या फिर ग्लव्स पहन लें। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको प्यार से ऐसे मिक्स कर लेना है। देखिए इसमें मसाला और भी लगेगा, इसमें जितना भी मसाला डालेंगे ना कमी है, क्योंकि ये ब्रोकली है ना, इसमें अंदर तक मसाला घुस जाता है। इसके लिए ये देखिए ऐसे, वाह। अगर आप जब मिला रहे हैं और आपको लगे मसाला कम है तो आप क्या कर सकते हैं, मसाला और डाल सकते हैं। देखिए
अब आपकी ब्रोकली तैयार है, तो पहले ऐसे मसाला लगा लें, उसके बाद आपने क्या करना है, इसको एक जीआई पैन में भर के जहां भी आपकी पार्टी चल रही है वहां पहुंचा देना है। और इस मसाले का लिंक आपको नीचे भी मिलेगा और ऊपर भी मिलेगा आई बटन में। तो मैं मसाला लगाने के बाद जीआई पैन में भर के दिखाता हूं आपको। इसको बोलते हैं जीआई पैन, ये देखिए। तो हम ऐसे ही रखते हैं सामान ताकि क्लीन रैप का खर्चा ना बढ़े बार बार, और सामान ढक के आराम से रख ली जाए। देखिए, और आप एक के ऊपर एक भी रख सकते हैं कोई भी चीज। तो ये है तरीका मेरा स्पेशल, बाकी सबका मुझे पता नहीं। मैं ऐसे ही सामान स्टोर कराता हूँ अच्छी तरीके से, ये देखिए। और इस पे हम लिख भी देते हैं कौन सी पार्टी का है, कहाँ का है, तो बंदा का है, कोई नया भी आए वो भी उठा के चल दे, उसे पता है कि कहाँ जाना है। ये देखिए, अब आपने क्या करना है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ हमारा वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।